ठेकाकर्मियों का समर्थन में आया कोटा दक्षिण विधायक संदीप शर्मा की विधानसभा ने उठाऊंगा मामलो। बेटा ने लियो कर्जो, माए बाप कताई दे रहा छा धमकिया, पुलिस ने करियो मामलो दर्ज। वैक्सीनेशन को दूसरा फेज हुआ शुरू, कमिश्नर और कलेक्टर ने लगवायो टीको। तेज रफ्तार मोटरसाइकिल खंभा सुजा टकराई, हादसा में सफाई कर्मी की मौका पर हुई मौत। और अब खबर विस्तार से। मेडिकल कॉलेज से संबंध एमबीएस जैकेलोन और नया अस्पताल में ठेका श्रमिका को कार्य बहिष्कार 14वां दिन भी जारी रहो। बीजेपी विधायक संदीप शर्मा ने दोपहर में एमबीएस अस्पताल पर पहुंचा। संदीप शर्मा ने ठेका श्रमिका की मांग को समर्थन करता हुआ वहां वक्ता संबोधित करो, साथ ही ठेका श्रमिक की मांग विधानसभा में उठावा को आश्वासन दियो। और संदीप शर्मा ने यह भी की ठेकेदार व प्रशासन का द्वारा यहाँ को शोषण कर अस्पताल का ठेका श्रमिक ने कोरोना काल में अग्रिम मोर्चा पर खड़ो रेर जनता की सेवा की है। वहां हर महीना 4-5 हजार को वेतन दियो जा रहे छे, बाकी पीसा ठेकेदार की जेब में और न जाना कहां कहां पर घूम रहा छे। वाने यह भी की का ठेका श्रमिका को भविष्य असुरक्षित छे, रोकताई जायज मांग कताई भी विधानसभा में उठाए जाओगो। उठी ठेका श्रमिक रोज अनूठा अनूठा तरीका सु ठेका प्रथा समाप्त करवा व स्थायीकरण वेतन बढ़ावा की मांग कर रहा छे। एमबीएस व जेकेलेन का ठेका श्रमिका ने घायल बनकर सिर और माथा में और हाथ पैर में पट्टिया बांधी और विरोध जतायो, जबकि नया अस्पताल में ठेका प्रथा की शव यात्रा काटी गई। आपको बता दें तीनों अस्पताल में करीब 1200 ठेका श्रमिक पिछला 14 दिन से आंदोलन कर रहा है। ठेका प्रथा समाप्त करवा की मांग करते ले पहली रोज 2 घंटा कार्य बहिष्कार पर चा और अब रोज 3 घंटा कार्य बहिष्कार कर रहा है। ओपडी का टीम में ठेका श्रमिका ने 3 घंटा कार्य बहिष्कार पर रेवासु मरीजा का तई और मुश्किल बढ़ती जा रही है। ठेका श्रमिका को कार्य बहिष्कार का कारण 3 घंटा मरीज व तीमारदार पर भारी पड़ रही है। कुछ टाइम पहले बुजुर्ग महिला का पुत्र ने कोई कतई पैसा उधार दिया, जिकी रकम बुजुर्ग माता पिता का द्वारा चुका दी गई, पर फिर सु दंपति कतई धमकाए जा रहे कब पैसा लौटाओ न तो वहां का घर पर कब जो जमा लेगा। यो आरोप लगाता हुआ बुजुर्ग दंपति ने की वहां का पास यहां पर बंसल साड़ी वाला का द्वारा कुछ गुंडा भेजा गया और वहां का जरिए वहां कतई धमकाया गया, जबकि वहां का बड़ा पुत्र ने कुछ दिन पहले वहां कतई पैसा लिया जो वहां का द्वारा ही चुका दिया गया और वहां का बेटा ने लोगों का डर करूँ 12 शहर छोड़कर ही भाग्यो। अब 2 साल बीत जाबा के बाद भी 12 ना आयो और वहां को बेटो मंदबुद्धि छ जो और 2 बेटियां भी छ, जाकी शादी होगी और वो अपना ससुराल में छ। वहां का बड़ा बेटा का सारा में चाल रही थी, पर बंसल साड़ी वाला की धमकिया की वजह से वहां का बड़ा बेटा ना घर बार व शहर छोड़ दिया, न जाना कहां पर छ वो लापता छ। मेरे बेटे ने ना जो कभी इनसे पैसा लिया होगा जी, तो रुचि साड़ी वाले से, नितेश बंसल से जी, अब हमें तो पता भी नहीं है। और उसने ने जो अब वो तो 2 साल से फरार है और हम को धमकियां देता है वो। कौन देते हैं धमकियां? वो नितेश बंसल ने ना जो गुंडे भेजे। कितने गुंडे आए थे आपके? एक दिन तो 2 आए थे, फिर कल 4-5 आए थे जो वो बाहर ही खड़े रहे, मकान के फोटो वोटो खींच के ले गए और के मकान खाली करो, पैसे दो, नहीं तो है ना जी दरवाजा वरवाजा सब उखाड़ देंगे, हम बहुत सारे जने आएंगे और बेटा प्यारा है, एक मकान प्यारा है। ये अभी तो 8-10 दिन से कर रहे हैं। वैक्सीनेशन को दूसरा फेज कोटा में भी शुरू हो गया। कोटा में फ्रंटलाइन वर्कर्स का 9 सेंटर्स पर वैक्सीन लगाई जा रही है। चिकित्सा विभाग के पास 8,000 से भी अधिक फ्रंटलाइन वर्कर्स की सूची है, जिसके मुताबिक वहां का मैसेज के द्वारा वैक्सीनेशन केंद्र पर वक्त बुलाया जा रहा है। कोटा जिला प्रशासन ने बड़ा मैसेज देता हुआ सबसे पहली संभागीय आयुक्त और कलेक्टर ने वैक्सीन लगवाकर तमाम कर्मचारियों का फ्रंटलाइन वर्कर्स कताई दियो और वैक्सीनेशन अभियान में सबसे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेवा की जानकारी दी। जी पर कोरोना के खिलाफ जंग में हर तबका ने अपना भूमिका निभाई और वैक्सीनेशन अभियान में भी अपनी अपनी अहम भूमिका निभार, आमजन में सकारात्मक संदेश वैक्सीनेशन को दियो जाओ। कोटा में कलेक्टेड पर 4 सेंटर्स बनाकर राजस्व कर्मचारियों का ताई वैक्सीन लगाई जा रही है। उठी ग्रामीण इलाका की बात करा तो दिगोद, सांगोद, कनवास, रामगंज मंडी और इटावा सीएचसी पर फ्रंटलाइन वर्कर्स का ताई वैक्सीन दी जा रही है। वैक्सीनेशन का ताई लेर फ्रंटलाइन वर्कर्स में काफी उत्साह देखवा न मिल रहा है। जाने के पहले चिकित्सा वर्कर्स को लगाया गया था, आज राजस्व को लगाया जाएगा, कल जो
नगर पालिका और नगर निगम है उनके कर्मचारी को, और उसके नेक्स्ट डे पुलिस को, और उसके बाद पंचायत राज। गवर्नमेंट ने अलग अलग प्रायोरिटियाँ दे रखी है, भारत और केंद्र सरकार के जो भी निर्देश आते हैं उसके तहत लगाई जा रही है। मैंने खुद ने भी और यहाँ कलेक्टर साहब ने भी, हमने यहाँ वैक्सीन लगाई है, तो एक बहुत एक सामान्य प्रक्रिया है, इसमें कोई पता भी नहीं लगता कि आपके टीकाकरण कैसे हुआ, न कोई दर्द की एहसास है, न कोई दवाई का किसी प्रकार का साइड इफ़ेक्ट या कोई और इफ़ेक्ट है। तो मैं सभी से अपील करूंगा इस मौके पर कि जो जो लोग अभी इनलिस्टेड हो चुके हैं, जिनका रजिस्ट्रेशन हो चुका है, वो सभी 100% इसका उपयोग करें। कोटा का ग्रामीण इलाका में देर रात में होया एक सड़क हादसा में बाइक सवार सफाई कर्मी की मौका पर ही दर्दनाक मौत हो गई। तेज रफ्तार सो चल रही बाइक सड़क का किनारा लागी और बिजली का खंभा सो जा टकराई। हादसा में बाइक सवार राजोपा गांव निवासी सफाई कर्मी विनोद वाल्मीकि की मौत हो गई। विनोद पहले कुछ पिटावा में सफाई कर्मचारी छो और कुछ दिन पहले ही मांगरोल में ड्यूटी की लागी थी। विनोद अपना गाँव में राजोपा लौट रहे छो, इस दौरान देर रात में इटावा मार्ग पर अयाना व गणेशगंज के बीच में चांदा गाँव का बिजली का खंभा सो वहाँ की बाइक जा टकराई और दर्दनाक हादसा वहां का माता में गंभीर चोट लगवा का कारण विनोद की मौका पर ही मौत होगी। मौका पर पुगी पुलिस ने विनोद को अस्पताल पहुंचाया, जहां पर डॉक्टर ने कतई मृत घोषित कर दियो। इटावा अस्पताल के मोर्चरी में विनोद को शव को पोस्टमार्टम करवा शव परजना कतई सौंप दियो। फिलहाल अयाना थाना पुलिस पूरा मामला की जांच कर रही है। कोटा की दाईमुखी नहर में 4 दिन पहले डूबा युवक, निगम गोताखोर के द्वारा तलाशी अभियान जारी है। दाईमुखी नहर में युवक का बेजाबा की सूचना के बाद निगम गोताखोर के द्वारा रेस्क्यू करो जा रहे छोटी। अब निगम रेस्क्यू टीम का लारा एनडीआरएफ की टीम भी युवक कताई तलाश में जुटी हुई है। नगर निगम रेस्क्यू टीम का गोताखोर विष्णु कताई जानकारी देते हुए बतायो दाईमुखी नहर में लगातार युवक कताई तलाश जा रहे। दाईमुखी नहर में 43 किलोमीटर लंबा एरिया में भी युवक कताई तलाश हो गयो, पर कोई सफलता हाथ न लगी। निगम और एनडीआरएफ की टीम लगातार रेस्क्यू जुटी हुई है। नया अस्पताल में कार्यरत ठेका कर्मचारी ने अपनी मांगा कताई लेट विरोध प्रदर्शन शुरू करे। उठी काफी दिनों सु अपनी मांगा कताई लेट प्रदर्शन कर रहा था, पर अबार तई सरकार की आड़ी सु कोई सकारात्मक जवाब न आयो। नाराज कर्मचारी ने शव यात्रा खाड़ी। जलदाय विभाग का राजभाटा रोड स्थित वाटर फिल्टर प्लांट का ठीक सामा बसिया श्यामनगर और बगल में बसिया शिवपुरा इलाका में पिछला कई टेम सु कम दबाव सु हो रही जलापूर्ति कतह लेर दोनों इलाका की महिला और पार्षद का जलदाय विभाग प्रशासन के खिलाफ जमकर गुस्सा फूट्यो। शिवपुरा का पार्षद जितेंद्र सिंह और श्यामनगर का पार्षद प्रतीप कसाना ने नेतृत्व में दोनों इलाका की महिला कतह पेयजल संकट से जूझ रही थी और आज जलदाय विभाग का केलगढ़ वाटर फिल्टर प्लांट पर जाप हो गया, जहाँ पर महिला ने यहाँ पर जलदाय विभाग प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। शिवपुरा इलाका में और श्यामनगर इलाका में पूरा प्रेशर कलारा जलापूर्ति करवा की भी मांग की। महिला ने अधिकारियों कताई खरी खोटी भी सुनाई और की वहाँ लोग वाटर फिल्टर प्लांट का हेड पर निवास कर रहे, जहाँ पर ही कम दबाव छो वहाँ पानी मिल रहा है, बाकी शहर को काई हाल हो रहे छो इको कोई जवाब कोई न। मौका पर जलदाय विभाग का अधिशासी अभियंता सुमेश मेरा से बाद में पार्षदा और प्रदर्शनकारी महिला के बीच में बात हुई और उठी अधिशासी अभियंता मेरा ने पार्षदा और प्रदर्शनकारी महिला का तय आश्वस्त करो कि वहाँ के कम दबाव से मिल रही जलापूर्ति समस्या को जलदाय विभाग जल्द ही समाधान कर देगा। परिवाल साहब यहाँ पधारे थे अकेलगढ़ में, उन्हें हमने हमारी समस्या बताई दोनों वार्ड की, नए कोटा के प्रेशर के पानी की, तो उन्होंने हाथी हाथ एसी साहब एक्शन साहब को अधिकार तुरंत आदेश दिया और हम बराबर इनसे मिल रहे हैं, उसके बावजूद अभी तक वो पानी की ऐसी समस्या आ रही है, इसके लिए आज तो शुरुआत है। के लिए हमने एक पंप एक्स्ट्रा लगवाया है यहाँ पे, उसको आज से हमने चालू कर दिया है, ठीक है, कल से 3-4 घंटे उसको पंप को सुबह शाम हम चालू करेंगे और इनकी प्रॉब्लम हमने परमानेंट सॉल्यूशन कर दिया उसका, आज से ही समाधान हो गया। कोविड ऐप पर रजिस्ट्रेशन करवाबा के बाद में कई हेल्थ केयर वर्कर्स वैक्सीन लगवाबा सो ही चक्रया छे। चिकित्सा विभाग ने छूटा हुआ 3,252 हेल्थ केयर वर्कर्स का कारण बुधवार का दिन 29 सेशन साइट आयोजित करी, पर 484 हेल्थ वर्कर्स ने ही टीको लगायो, यानी कि 15% हेल्थ वर्कर्स के टीकाकरण करवाबा हो गया, पर सरकार ने प्रथम चरण का दिन 3 फरवरी तक पूरा करवा का निर्देश जारी कराया था, जिसके बाद चिकित्सा विभाग ने बुधवार का दिन छोटा हेल्थ वर्कर्स का कारण विशेष सत्र लगाए छो। जिला में 29 सेशन साइट पर 3,252 हेल्थ वर्कर्स रजिस्टर्ड से, यहाँ कुछ साइट तो 80 से जहाँ 150 में से 1, कहीं 150 में से 4 और 7 हेल्थ वर्कर्स ही पुगया। कोविशील्ड की 1 वाइज में 10 डोज और कोवैक्सीनेशन की 1 वाइज में 20 डोज शामिल छ। बुधवार का दिन 62 वाइल इस्तेमाल हुई, जिसमें 484 हेल्थ वर्कर्स ने ही टीको लगायो, यहाँ 244 महिला व 240 पुरुष शामिल छ। हेल्थ वर्कर्स का सेशन साइट पर न पुगवा सो 138 डोज खराब होगी।
उठे यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल शुक्रवार का दिन दो दिवसीय कोटा दौरा पर होगा। शुक्रवार का दिन सुबह 7 बजे जयपुर से कोटा का कांड रवाना होगा। कोटा पहुंचकर शहर में चल रहा कार्यक्रम में शिरकत करेगा और 6 फरवरी का दिन केंद्र सरकार के खिलाफ किसानों का समर्थन में कृषि कानून वापस लेवा की मांग कतई लेर कांग्रेस की 850 ट्रैक्टर रैली में शिरकत करेगा। स्टेडियम में होबा वाली विशाल आम सभा कतई भी संबोधित करेगा। 6 फरवरी शाम की 4 बजे वापस कोटा से जयपुर का कांड प्रस्थान कर जाऊगा। उठी कोविड 19 वैक्सीनेशन का दूसरा चरण को आगाज बुधवार से हो गयो। बारा झालावाड़ व सवाईमाधोपुर में जोर शोरों से दूसरा चरण की शुरुआत हुई, जहां जिला कलेक्टर ने टीको लगवा कर लोगों का तय जागरूक करवा की भी पहल की। बुद्ध जिला में भी कोरोना वैक्सीनेशन को दूसरा चरण शुरू हो गया। दूसरे चरण में अब फ्रंट लाइनर का तय कोरोना का टीका लगाया जाना चाहिए। अभियान के तहत जिला कलेक्टर आशीष गुप्ता, एडीएम एयू खान, एसडीएम सहित तहसीलदार, नायब तहसीलदार व कई कार्मिका ने टीको लगायो और लोगों का तय के प्रति जागरूक करो। सेकेंड फेज में पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों व कर्मचारियों का तय टीका लगेगा। आज एक शानदार शुरुआत, जिला कलेक्टर ने स्वयं टीकाकरण करवा करके और बुंदी जिले के अंदर किए, उनके पश्चात एडीएम और एसडीएम दोनों ने टीका लगवाया, जो कि एक बहुत खुशी की बात है। और अब आज हम निश्चित तौर पर रेवेन्यू डिपार्टमेंट के टीकाकरण में भी अच्छा मुकाम हासिल करेंगे, ऐसी मेरी आशा है। पहला फेज़ हुआ था हेल्थ केयर वर्कर्स का, बहुत ही सक्सेसफुल रहा। उसके अंदर लगभग सभी ने जो है टीकाकरण कराया और हम प्रदेश में अव्वल रहे, और आगे भी जो सारे फेजेज आएंगे उसमें भी मेरा यही प्रयास रहेगा। अभी जो फ्रंटलाइन वर्कर्स का जो टीकाकरण चल रहा है उसमें आज रेवेन्यू मशीनरी को लगाया जाएगा, कल जो है अर्बन बॉडीज और परसों पुलिस विभाग के जो कर्मचारी हैं कॉन्स्टेबल्स हैं उनको लगाया जाएगा। उठी बारा कलेक्टर राजेंद्र विजय ने की वैक्सीनेशन करवा कर काफी खुश है, अभी के बाद निश्चिंता से वो काम कर सकेगा, पर जब तक डोजेज पूरी न हो जाओ तब तक कोरोना गाइडलाइन की पालना भी करता रहेगा। वहां यह भी की यो टीको सुरक्षित वक्त आई, वहां यह भी संदेश दियो कि सबका दया लगवानी चाहिए। जिला में अब तक 7,722 लोगों को वैक्सीनेशन हो चुके थे, जो कि चिकित्सा डिपार्टमेंट से संबंधित है। अब रेवेन्यू डिपार्टमेंट को वैक्सीनेशन शुरू करो गयो, जिसके बाद पुलिस डिपार्टमेंट को वैक्सीनेशन भी शुरू करो जाओगे। तक 12 जिले में 7,722 लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका, इसमें अभी तक चिकित्सा विभाग ICDS डिपार्टमेंट का ही वैक्सीनेशन है। आज से रेवेन्यू डिपार्टमेंट का वैक्सीनेशन स्टार्ट किया गया है। इसके तहत 12 जिले में 565 बेनिफिशरीज हैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट के। 5 और 6 तारीख को अर्बन सेल बॉडीज का वैक्सीनेशन किया जाएगा। रियली मैं बहुत गदगद हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ की व्यवस्था, CMHO साहब की, हॉस्पिटल का अरेंजमेंट, स्टाफ, आई एम वेरी हैप्पी। एंड विद दिस की एक आज के बाद, वैसे तो बहुत सोशल डिस्टेंसिंग सारी चीज़ करनी भी होती थी, लेकिन इसके बाद भी अब आज चूंकि वैक्सीनेशन हो गया है तो हम पूरी निश्चिंतता से सबके साथ जाके काम कर सकते हैं। झालावाड़ उपकरण अधिकारी मोहम्मद जुनेद ने जिला परिषद परिसर में सेंचन सेंटर में कोरोना टीको लगायो। झालावाड़ जिला कलेक्टर ने बताया कि टीकाकरण अभियान के तहत 4 व 5 फरवरी के दिन टीकाकरण होगो। 4 फरवरी का दिन जिला परिषद झालावाड़ सहित विभिन्न कस्बा के दौरान 12 CSC का सेशन सेंटर में टीकाकरण करो जाओगे। 5 फरवरी का दिन नगर परिषद झालावाड़ व अम्बेडकर भवन सहित 5 पालिका क्षेत्र का CHC में वैक्सीनेशन होगो। आज जो राजस्व अधिकारी है जो कि फ्रंटलाइन वर्कर्स है उनके टीका का पहला दिन है। आज मैंने 11 बजे को शुरू हुआ था यहाँ, फिर 11:30 बजे को वैक्सीन लगाई। कोई इश्यू नहीं है, बिल्कुल हेल्थी हूँ और 5 मिनट बाद मतलब 30 मिनट आपको ऑब्जर्वेशन में रहना है, मैं ऑब्जर्वेशन में वेट कर रहा हूँ, कोई इश्यू नहीं। वैसे हेल्थी जो लोग हैं वो लगाना चाहिए। अपन 1 साल से वैक्सीन के लिए वेट कर रहा था, आज वो दिन आ गया। पहले चरण में अपन ने जो हेल्थ केयर वर्कर्स की थी, आंगनवाड़ी और मेडिकल डिपार्टमेंट, उसमें 85% लोगों को टीकाकरण हो चुका है। और आज से द्वितीय फेज शुरू हो रहा है जिसमें रेवेन्यू का स्टाफ है 576 लोग हैं उनके टीके लगेंगे। कल जो नगर पालिका है, नगर परिषद है, उनके कर्मचारी को लगेंगे। सवाईमाधोपुर जिला में कोरोना टीकाकरण का दूसरा चरण को शुभारंभ जिला कलेक्टर राजेंद्र किशन ने बजरिया शहरी PSC में खुद कताई टीको लगवा कर करो। कलेक्टर ने की आमजन में कोरोना टीकाकरण कताई लेर कोई तरह को भी भय व भ्रम न रहे का कारण खुद शहरी PHC बजरिया में पहलो टीको लगवाया। कलेक्टर ने की जिला में मेडिकल से जुड़िया लगभग सभी अधिकारियों व कर्मचारियों कताई कोरोना का टीका लग चुका है। अब जिला का सभी राजस्व अधिकारी व नगर परिषद और फ्रंट लाइन वर्कर्स का कोरोना का टीको लगवाया जा रहा है। आमजन में भी टीका कताई लेर कोई प्रकार की भ्रांतियां व भ्रम कोई न। देखिए वैक्सीनेशन जो COVID-19 का अभी चल रहा है, दूसरा चरण आज शुरू हुआ है, ये पूर्णतः सुरक्षित है और मैंने लगवाया है। आधा घंटे ऑब्जर्वेशन में मैं बैठा हूँ और किसी भी प्रकार के कोई सिम्टम्स नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल है, इससे कोई डरने की जरूरत नहीं है।
और ना ही घबराने की जरूरत है। और जो नकारात्मक खबरें चल रही हैं उन पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करें, ये पूर्णतः सुरक्षित है। बूंदी जिला कलेक्टर आशीष गुप्ता और मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर महेंद्र त्रिपाठी ने कोविड 19 का आरटीपीसीआर लैब को औचक निरीक्षण करो। इस दौरान वहां लैब में टेस्टिंग सुलेर कोरोना का सैंपल की प्रकार सु लिया जाओ के बारे में बारीकियां सो समझा कर वहां के बारे में जानकारी ली। उठे स्टाफ ने लैब की बारीकियां कोरोना की जाँच और सैंपल में ली जावा वाली सावधानियां कताई भी लेकर जानकारी ली। बारह में सड़क सुरक्षा माह के तहत वाहन रैली निकालकर यातायात नियमों की जानकारी दी। सड़क सुरक्षा माह अभियान के तहत यातायात शाखा बारह द्वारा वाहन रैली को आयोजन करो गयो। रैली का माध्यम से सड़क सुरक्षा का हेलमेट पहनबा का संदेश दिया गया। यह वाहन रैली शहर का चार मूर्ति चौराहा सु प्रताप चौक धर्मादा हॉस्पिटल रोड कोटा रोड से गुजरता हुआ सरकार भवन पर समाप्त हुई। सुरक्षा माह के अंतर्गत आज वाहन रैली का संचालन किया गया। यह वाहन रैली चार मूर्ति से शुरू होकर प्रताप चौक धर्मादा हॉस्पिटल रोड कोटा रोड और सहकार भवन पर समाप्त की गई। था यातायात कर्मियों के द्वारा इस वाहन रैली को निकाला गया जिसमें हेलमेट का संदेश दिया गया तथा 100 से अधिक कर्मचारी इस वाहन रैली में शामिल हुए। तो ये थी आरती की वार्ता की खबर। अब दीजिए निशाना विदा। राम राम।